गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश इन स्टैंडर्ड 4, सो लेट्स स्टार्ट। सो किड्स, आज हम पेज नंबर 157 से न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट 10 का ही। ये इसका नाम है, क्या है? पिनोकियो। पिनोकियो, पिनोकियो, पिनोकियो। तो यहाँ पे जो पपेट बनाया है उसका नाम है पिनोकियो। ओके, तो यहाँ पे चलो जो स्टोरी दिया है हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, एन ओल्ड कारपेंटर ब्रॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। कि कारपेंटर था, कारपेंटर जो है वो ब्रॉट मतलब खरीद के लाया, अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड, एक कीमती लकड़ी का टुकड़ा। पीस मतलब टुकड़ा, वुड मतलब लकड़ी। एज ही यूज्ड हिज प्लान ऑन इट, कि उसे अच्छा करने के लिए वो अपना प्लान जो है वो उसके ऊपर चला रहा था। ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से, स्टॉप यू आर टिकलिंग मी। तो उसने सुना, हर्ड मतलब सुनना, ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस, तो उसने थोड़ा सा एक हंसी में बोलता हुआ आवाज़ सुना, बोलता है स्टॉप यू आर टिकलिंग मी, कि स्टॉप करो, कि तुम मुझे टिकल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। The old man was puzzled. तो old man जो है वो puzzled, puzzled मतलब सोचता ही रह गया, by the voice, कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। He said, this is a strange piece of wood. उसने बोला कि ये तो एकदम strange piece of wood है, ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही strange है, मतलब कैसा है। What shall I do with it? मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? I think, मैं ऐसा सोचता हूँ, I'll make it into a puppet. तो मैं इसमें से क्या बनाऊँगा, एक puppet बनाऊँगा, यानी कि एक पुतला बनाऊँगा, puppet मतलब पुतला। He set to work. तो अभी उस वो बैठ गया काम करने के लिए। And as the puppet boy took shape, जैसे ही उसने puppet के पुतले को एक लड़के का शेप दिया, तो old man said, old man ने बोला, He must have a name. उसका एक नाम भी होना चाहिए। I will call him Pinocchio. मैं उसे नाम दूंगा Pinocchio. तो Pinocchio उस पपेट का नाम रखा, पुतले का नाम क्या रखा? Pinocchio नाम रखा। As soon as he finished making the eyes, जैसे ही उसने eyes बनाना finish किया, eyes मतलब आँखें बनाना उसने finish किया, The carpenter was amazed to see them move. Carpenter ने देखा कि वो move भी कर सकता है, मतलब आँखें भी हिला सकता है, तो वो carpenter तो amazed मतलब सोचता ही रह गया कि ये जो है वो कैसे हिला सकता है। Before the mouth was made, कि मुँह बनाने से पहले ही it begins to laugh, उसने हंसना शुरू किया। अभी तो मुँह बनाया भी नहीं था, फिर भी वो हंस रहा था। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप, उसने स्टॉप किया, बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड, कि जैसे ही उसने अपने बैक को टर्न किया, वो घूमा पीछे, इट पुट आउट हिज टंग, तो उसने क्या बाहर निकाल ली? उसकी टंग मतलब उसकी टंग जो है, जो जीभ जो है उसने अपनी बाहर निकाली। एंड इट्स नोज ग्रो लॉन्ग, और उसका नाक जो है वो लंबा होता गया। ग्रोज मतलब बढ़ना, लॉन्ग मतलब लंबा होना, तो उसका नाक जो है वो लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ तक फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते जाना। वंस अपॉन अ टाइम एंड ओल्ड कारपेंटर ब्रॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। As he used his plan on it, he heard a little laughing voice say, "Stop! You are tickling me." The old man was puzzled by the voice. He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I will make it into a puppet." He set to work, and as the puppet boy took the shape, The old man said he must have a name. I will call him Pinocchio. As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. Before the mouth was made, it began to laugh.
Stop laughing, the old man said. It did stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue and its nose grew long. तो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही. तो जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड्स पे, तो वो सारे वर्ड जो है वो आपको अच्छे से टिक कर लेने हैं अपने टेक्स्ट बुक में और उसे 3-3 टाइम लिखने भी है अपनी नोटबुक में मीनिंग के साथ लर्न कर लेने हैं. ओके, नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.